नाजरीन जैसे सुन रहे हैं आप सब के साजिद भाई ने भी कहा कि मेरे पास एक हैवी बाइक है 1000 cc, तो ये झंडा मैं उसके ऊपर पकड़ के और पूरे चौक आजम में सेलिब्रेट करना है, पूरे लहिया जिला में सेलिब्रेट करना है, और वो वीडियो भी आपको इस चैनल पे मिलेगी, मेरी फेसबुक पे भी मिलेगी और साजिद भाई के कल इंशाल्लाह वो आपको मिल जाएगी वीडियो वो भी, और कल फुल धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल पाकिस्तान और मैं हूँ साजिद अवान। नाज़रीन आज हम लहिया में मौजूद हैं और आज हम आपको इकबाल के एक और शाहीन से मिलवाएंगे जिन्होंने लहिया की तारीख का एक बड़ा पाकिस्तानी झंडा तैयार किया है जिसकी लंबाई 40 फीट और चौड़ाई 20 फीट है। तो नाज़रीन आइए आपको उस इकबाल के शाहीन से मिलवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस पाकिस्तानी झंडे को तैयार करने में कितने दिन लगे, कितनी इस पर लागत आई और इसको तैयार करने में उनको क्या मुश्किल पेश आई। स्पेशल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो से आप रह सकें बाखबर। भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह साजिद भाई, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। अच्छा अमन भाई, माशाल्लाह आपने लहिया की तारीख का एक बड़ा पाकिस्तानी झंडा तैयार किया है तो जिसकी लंबाई 40 फीट है और आपने बताया कि चौड़ाई जो है वो 20 फीट है, क्या कहेंगे, आइडिया कहाँ से आया? देखें आइडिया की बात जो है वो पाकिस्तान के लिए तो हर टाइम पे आइडिया ही आइडिया है। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को कभी हमारी ज़रूरत पड़े और हम फौरन जाके वो काम करें, ठीक है। तो झंडे की जो बात है, बचपन से लेके शौक था गलियों में सजाना, 14 अगस्त आ रही है, 1 अगस्त से ही झंडे लगाने शुरू हो जाते थे। उस वक्त हम बच्चे थे, आज हमारे बच्चे हैं तो उनको भी हम इसी तरह, तो ये शौक तो एक पाकिस्तान के हमारे मरते दम तक ही रहेगा। तो आइडिया बस ऐसे ही था कि इस बार कुछ नया करना है और मैंने खुद ये अपनी टीम के साथ, अपने कजन के साथ मिलके ये चीज़ मैंने बनाई है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना है, आप देखेंगे। अच्छा अहमद भाई, कितने दिन लगे इस पाकिस्तानी झंडे को तैयार करने में? साहिब भाई दिन की बात तो ऐसी है कि हमने ये 1 अगस्त से ही बनाना शुरू कर दिया था। कुछ फिर इस तरह होता है कि कुछ मसरूफियात होती हैं इंसान की, बिजनेस होते हैं, घर के काम, ये वो, बीच में से कुछ टाइम नहीं मिला, कुछ पूरा दिन दिया किसी दिन, तो बस करते करते ये 1 अगस्त से ही शुरू किया था। तो आज 13 अगस्त है तो अल्हम्दुलिल्लाह अब कम्प्लीट हो चुका है और 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हैं हम। अहमद भाई लागत कितनी आई है, हमारे नाजरीन को, हमारे फैंस को बताइएगा कि गहरी बात है एक बड़ा झंडा बनाया है तो इसमें पैसे भी काफ़ी लगे होंगे। देखें पाकिस्तान के लिए तो एक मेरी जान हाजिर है और हज़ारों रुपए लगे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बताना नहीं चाहता कि एक मेरा छोटा सा तोहफा है इस दिन के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, एक अदना सी छोटी सी एक मैंने जो है वो किया है, मतलब कोशिश की है छोटी सी। हमारे को कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने हमें इतना बड़ा पाकिस्तान दिया, उसके सामने एक छोटा सा ये झंडा 40x20 का कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन लाखों कुर्बानियां भी दें तो हम वो एहसान नहीं उतार सकते। बिल्कुल जी, इसी तरह बात है, लाखों कुर्बानियां दें, बस ये है कि शौक, नियत, पाकिस्तान के लिए जज्बा, चाहे वो 1 फुट का हो या 40 फुट का हो, ये अहमियत रखता है। अच्छा अहमद भाई ये बताएं कि इसके जो आपने प्रोसेस से गुजरे उसके बारे में जरा हमारे नाजरीन को बताइएगा कि आपने कोई मैप बनाया होगा, कोई दोस्तों से मशवरा किया होगा, कपड़ा आपने कहाँ से मंगवाया, कौन सा स्पेशल चीज़ें हैं जो इसमें आपने इस्तेमाल की? साजिद भाई ऐसा है कि लाजमी सी बात है, कपड़ा तो इसके लिए स्पेशल आया क्योंकि मैंने पैराशूट का जो कपड़ा होता है, जो वाटरप्रूफ होता है पैराशूट, वो इसमें इस्तेमाल किया गया है, कॉटन, लॉन या रेशमी कोई कपड़ा इस्तेमाल मैंने नहीं किया। तो उसके लिए यह है कि हमें सबसे पहले इतना बड़ा बर नहीं मिल रहा था उस कपड़े का, जो चौड़ाई के 20 फुट का बर हो कपड़े का, तो हमने इसको जोड़ लगवाए, तो सिलाई लाजमी बात है हमने किसी टेलर से करवाई है, तो उससे सिलाई इस तरह करवाई है कि जोड़ उसका नज़र ना आए। बिल्कुल वाइट कपड़ा भी हमने इसके साथ ऐसे ही अटैच किया है। उसके बाद रही बात, इसमें कुछ टेक्निकल बातें थी जैसे चांद बनाना और सितारा बनाना, ठीक है, और फिर ये एक इक्वेशन, एक कैलकुलेशन से होता है ये सारा काम। तो सितारा बहुत मुश्किल था बनाना,
हमने एक होम मेड, हमने खुद एक प्रकार मेड किया, बनाया, प्रकार की मदद से हमने चांद की गुलाई को बराबर किया। फिर उसके बाद उसकी जो तारे का था, तारे की, क्योंकि हमारा जो है वो कोनों वाला तारा है, तो उसको बनाने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी हमें। खैर आखिर में कुछ कभी गलत हुआ कभी ठीक हुआ, तो एंड पे जो है वो काफ़ी बेहतर रिजल्ट आया उसका। तो भाई ने भी कुछ मदद की हमारी, मेरी टीम थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये हमें एक्सपीरियंस था हमारा। अमन भाई, मैं आपको स्पेशल मुबारकबाद दूंगा क्योंकि हमने आज से पहले जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी झंडे मुख्तलिफ शहरों में तैयार हुए, अक्सर लोग ऑर्डर पे तैयार करवा लेते हैं, मशीन के ज़रिए चांद बना लिया जाता है, तारा बना, लेकिन आपको मैं स्पेशल मुबारकबाद इस वजह पेश कर रहा हूँ कि आपकी पूरी एक टीम की काविज थी और एक टीम वर्क था और आपने हर चीज़ खुद बनाई, चाहे वो एक दफ़ा गलत हो गई, दो बार हो गई, मिस्टेक हो गई, लेकिन आपने उसको बार बार बनाने के बाद आज आपने पाकिस्तानी झंडा तैयार कर लिया। और बस इसमें साजिद भाई कुछ मैं ये बताना चलूँगा चाहता हूँ कि इसमें ये होता है कि एक इंसान होता है, वो जैसे हमारे इवेंट्स हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, कुर्बानी का इवेंट आता है, तो कुर्बानी के इवेंट में ऐसा होता है कि जानवर कुर्बान हम खुद करते हैं, गोश्त खुद बनाते हैं, उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसका ज़्यादा मज़ा आता है बनिस्बत ये कि हम एक कसाई से घर पर टी वी देखते रहें सारा दिन। तो ये चीज़, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये खुद बनाने की कोशिश की है कि इसको मैं बनाऊंगा खुद दिलो जान से, एक चीज़ रख के, सफाई करके, हर चीज़ को देखभाल के, तो वो अच्छा बनेगा। और इसमें ये भी है कि नुकसान भी, पहली बार थी, हम कोई झंडे बनाते तो नहीं रहते, खैर तो इसमें स्प्रे पेंट मैं लेके आया पहले, तो वो पैराशूट के कपड़े पर रुका नहीं, ठीक है, तो काफ़ी उसमें मैं बोतलें लेके आया, वो भी नुकसान हुआ। उसके बाद मैंने वाटर पेंट किया, वाटर पेंट हमने कहा शायद इस पर रुक जाए, वाटर पेंट भी सही नहीं हुआ, उसका रंग जो है शाइनिंग वाला नहीं निकला, तो फिर हमने ऑयल पेंट इसके ऊपर यूज़ किया, तो ऑयल पेंट बहुत ज़बरदस्त रहा, कपड़े को कवर किया उसने और शाइनिंग भी बहुत बेहतरीन आई इसकी। तो ये कुछ बातें थी जो हमें इस मरहले में जो रही हमारे साथ, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह झंडा कंप्लीट हो चुका है इस वक्त। तो अहमद भाई, आप माशाल्लाह हर साल कुछ ना कुछ न्यू बनाते हैं, इससे पहले भी आपकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हैं, आपने कुछ मंथ पहले एक हैवी बाइक बनाया, मुख्तलिफ कंट्री से आपने स्पेयर पार्ट उसमें यूज़ किए, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि कल आप उसी हैवी बाइक पे हमारे नाज़रीन को जो है इस झंडे के साथ आप 14 अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे और इसी चैनल पे जो है वो दोबारा आपकी वीडियो हम अपने फैंस को, नाज़रीन को दिखाएंगे। हाँ ये बिल्कुल ये सच है साजिद भाई, आपने बात जल्दी रिवील कर दी है, मैं इतनी जल्दी इसको नहीं खोलना चाह रहा था हैवी बाइक वाली बात को। तो नाज़रीन जैसे सुन रहे हैं आप सब कि साजिद भाई ने भी कहा कि मेरे पास एक हैवी बाइक है 1000 cc, तो ये झंडा मैं उसके ऊपर पकड़ के और पूरे चौकाज़म में सेलिब्रेट करना है, पूरे लैया ज़िला में सेलिब्रेट करना है, और वो वीडियो भी आपको इस चैनल पे मिलेगी, मेरी फेसबुक पे भी मिलेगी और साजिद भाई के कल इंशाल्लाह वो आपको मिल जाएगी वीडियो वो भी। और आज वाली ये 13 अगस्त है, आज कल 14 अगस्त है, तो कल फुल धूम धाम से सेलिब्रेट करेंगे हम। और आप अपने पेज का नाम भी अपने हमारी, हाँ मेरी जो फेसबुक का नाम है वो मोहम्मद अहमद है, और जो मेरी यूट्यूब का पेज है वो है अहमद ब्लॉग्स के नाम से है, तो वो लिंक भी शेयर कर देंगे साजिद भाई, वहाँ भी आप जाएं, मेरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे भी आएं, और कल इंशाल्लाह हैवी बाइक के ऊपर 40x20 का लैया का सबसे बड़ा झंडा हम इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं और उस पे ही सेलिब्रेट करेंगे हम। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे इकबाल के शाहीन अहमद नियाज़ी की बातें, और वो कह रहे थे कि कल आपके लिए बहुत एक सरप्राइज़ वीडियो आने वाली है, कल 14 अगस्त को अहमद भाई सेलिब्रेट करेंगे अपने हैवी बाइक पे और अपनी पूरी टीम के साथ, और भी बाइक्स होंगी और एक पाकिस्तानी झंडे के साथ जो इन्होंने अपने हाथों से बनाया है, जिसकी लंबाई 40 फीट और चौड़ाई जो है वो 20 फीट है, तो कल उस वीडियो के साथ दोबारा आपको हम स्क्रीन पे नज़र आएंगे और सेलिब्रेट करेंगे 14 अगस्त को। तो मैं अपने नाज़रीन को एडवांस 14 अगस्त जो है उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ, तो कल दोबारा आपके साथ इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक
मुझे और हमारे अहमद भाई को स्पेशल पाकिस्तान के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह।